इस वेले वड्डी अपडेट जंतर मंत्र तो सामने आ रही है जिथे के कुश्ती दंगल के खिडारी ने जो धरने पर बैठे ने तो इस दौरान उन्होंने जुड़ी हुई वड्डी अपडेट सामने आ रही है जिस विच के ब्रजभूषण शरण सिंह ते FIR दर्ज हो गई है। सो जिथे सुप्रीम कोर्ट वालों वड्डा जिहड़ा एक्शन लिया गया तो ब्रजभूषण खिलाफ FIR दर्ज करने आदेश जारी किए सन तो उस तो बाद ब्रजभूषण शरण सिंह ते FIR दर्ज हुई है। इस दौरान हुण ब्रजभूषण शरण का भी बड़ा बयान सामने आया जिदे चलदिया ब्रजभूषण सिंह ने अस्तीफा देने की गल कह दी है पर नाल ही वड्डी मंग रखी है उस उन्होंने गल कही है कि जिहड़ा ये धरना चल रहा है इसनों चुक लिया जाए वो अस्तीफा दे रहे हैं। सो वड्डी अपडेट सांझी कर रहे हैं कि भारतीय कुश्ती संघ महासंघ के प्रधान ब्रजभूषण शरण सिंह ने अज बड़ा बयान देंदे हुए कहा है कि जेकर जंतर मंत्र ते मौजूदा पहलवान धरना प्रदर्शन बंद करते हैं तो वह जल्द ही अस्तीफा दे सकते हैं। सो वड्डी अपडेट सांझी कर रहे हैं जिथे बड़ा मामला बनता दिख रहा है और केंद्र सरकार लई बड़ा चिंता का विषय बनता जा रहा है। यह खिडारियों का धरना तो इस दौरान हुण वड्डी अपडेट सामने आ रही है। भारतीय कुश्ती महासंघ के प्रधान ब्रजभूषण शरण सिंह ने बड़ा बयान दिता है जिस विच उन्होंने कहा कि वह अस्तीफा दे देंगे पर वड्डी शर्त यह है कि पहला ये खिडारी अपना धरना चुक लैन। सो जिथे असी देखा सीगा कि विनाशी फोगाट वालों अपनी शिकायत करवाई गई पर उसते कोई भी कार्रवाई नहीं हुई और इस तो बाद भारत के कई जड़े नामी जड़े असी पहलवान कहने कुश्ती के उन्होंने जड़ा जंतर मंत्र धरने ते रोस मुजहरा करना पिया तो इस दे चलदिया हुण सुप्रीम कोर्ट तक ये मामला पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट ने सख्त आदेश जारी करदिया दो FIR दर्ज करने के आदेश दिए थे ब्रजभूषण शरण सिंह से। सो इस दौरान हुण वड्डी अपडेट सामने आ रही है कि जिथे ब्रजभूषण शरण सिंह से दो FIR दर्ज हुई ने तो इस दौरान हुण ब्रजभूषण शरण सिंह ने अस्तीफा देने की भी गल कह दी है। सो जिथे एक पासे असी देख रहे हैं कि इन्हां खिडारियों ने देश भर का नाम पूरे वर्ल्ड में चमकाया तो इस दौरान उन्होंने जो कोई जिनसी शोषण के दोष उन्होंने लाए गए थे तो उन्होंने इस ते कोई भी कार्रवाई नहीं हुई जिसके चलदा यह मामला हुण धरने तक पहुँचा तो धरने तो हुंदा होया यह मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुँचा जिस विच के भारत के जिहड़े आ केंद्र सरकार के विरोधी पार्टी के लीडर ने वो धरने में शामिल हो रहे हैं। तो इस दौरान हुण प्रियंका गांधी भी उत्थे पहुँचे अते केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल भी पहुँचने दी चर्चावां ने। सो वड्डी अपडेट सांझी कर रहे हैं कि ब्रजभूषण शरण सिंह ने बड़ा बयान दिता है कि वह अस्तीफा देंगे पर पहला धरना चुकया जाए। सो वड्डी अपडेट सांझी कर रहे हैं जिथे लंबे समय तो धरना चल रहा जंतर मंत्र ते संघर्ष कर रहे ने खिडारी अपना इंसाफ लैण लई पर इस दौरान जिहड़ा सुप्रीम कोर्ट वालों सख्त आदेश होण तो बाद ही ब्रजभूषण शरण सिंह ते कार्रवाई हुंदी है अते हुण ब्रजभूषण शरण सिंह वालों वड्डा बयान दिता गया कि वह अस्तीफा दे देंगे पर पहला धरना चुकया जाए। सो मामला यह है कि जंतर मंत्र ते मौजूदा पहलवान धरना प्रदर्शन चल रहा है अते उन्होंने ब्रजभूषण वालों अस्तीफे की गल कही गई है। उत्थे ही ब्रजभूषण शरण सिंह ने कहा है कि पुलिस नूं उन्हां खिलाफ जो FIR दर्ज की है उसका जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिता है उस वालों खुश ने। ब्रजभूषण खिलाफ पहली FIR एक नाबालिग पहलवान वालों किसी शिकायत के पासको तहत हुई है दूजी FIR है जो महिला पहलवाना वालों दायर की शिकायतों के संबंधित है। सो ब्रजभूषण शरण सिंह ने कहा है कि मैं निर्दोष हाँ जांच का सामना करने लई तैयार हाँ। वो उन्होंने कहा है कि मैं एजेंसी का हर एक पक्ष तो जिहड़ा साथ देवांगा अते न्यायपालिका ते पूरा भरोसा है तो मैं सुप्रीम कोर्ट के हुक्मों का सन्मान करदा अस्तीफा देने का कोई वड्डी गल नहीं पर मैं अपराधी नहीं हाँ जेकर मैं अस्तीफा दिंदा हाँ तो इस तो मतलब ये होगा कि पहलवाना के दोषा स्वीकार कर लिया है मेरा कार्यकाल खत्म हो गया है। सरकार ने 3 मैंबरी कमेटी बनाई है तो चोणा 45 दिनों विच होणगियां अते चोणा तो बाद मेरा कार्यकाल खत्म होगा। सो वड्डी अपडेट सांझी कर रहे हैं कि जिथे संघर्ष कर रहे हैं खिडारी अपने अस्तीफे को लैके यानी कि ब्रजभूषण शरण सिंह के अस्तीफे को लैके संघर्ष चल रहा है तो इंसाफ की गुहार लगा रही ने महिलावां कुश्ती दंगल दियां खिडारना तो दूजे पासे हुण ब्रजभूषण शरण सिंह का जिहड़ा वड्डा बयान सामने आता है। सो उत्थे ही गल कर लैंदे हां कि देश के
कई राजनीतिक लीडर भी जिहड़े आ इस धरने विच शामिल होए। इत्थों तक कि साबका गवर्नर सत्यापाल मलिक भी इस धरने विच पहुंचे सन अते उन्होंने वड्डा बयान दिता सीगा कि असी इधर नूं जा रहे हैं कि साडे देश दे जे खिडारी अज सड़कां ते संघर्ष कर रहे ने ते इंसाफ दी गुहार लगा रहे ने तां साडी केंद्र सरकार की कर रही है। जिसके चलदे आ हुण जिहड़ी अपडेट सामने देखण नूं मिली है कि ब्रिज भूषण सरन सिंह ने वड्डा बयान दिता है कि वह अस्तीफा दे देणगे, पर पहला धरना चुकया जाए। और उन्होंने कहा कि धरना अस्तीफा देने का मतलब ये भी नहीं है कि उन्होंने जोड़े दोष स्वीकार कर ले ने, प जो भी जांच विच आएगा वो उन्होंने स्वीकार करेंगे। सो बड़ी अपडेट साझी कर रहे हैं कि कितने ना कितने महिलावां दे प्रदर्शन का जोड़ा असर होंदा नज़र आ रहा है। पहला FIR दर्ज होंदी है सुप्रीम कोर्ट के आदेश तो बाद, इस तो बाद हुण जिहड़ा ब्रिज भूषण सरन सिंह अपनी सफाइया दे रहे हैं। सो वड्डी अपडेट साझी कर रहे हैं कि जिथे जिनसी शोषण का सामना कर रही सी लड़कियां तो उस तो बाद हुण इंसाफ की गुहार लैके बैठिया ने जंतर मंत्र ते, तां हुण उत्थे ही ब्रिज भूषण सरन सिंह अपनी सफाइया दे रहे हैं। सो हुण देखना होगा कि कदों तक ब्रिज भूषण सिंह जिहड़े आ अस्तीफा देणगे, जिहड़ा ये रोस प्रदर्शन आ वो कदों तक खत्म होगा।